डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ मैथ की क्लास में आज हम बात करेंगे एडिशन की, यानी कि जोड़ की। एडिशन विदाउट कैरिंग, जोड़ बिना हासिल के, एंड एडिशन विद कैरिंग, जोड़ हासिल के साथ। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए। हमने कुछ नंबर्स लिए, यानी कि 27, दूसरा है 71, इनको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स, यानी वंस के नीचे वंस एंड टेंस के नीचे टेंस। अभी इनको ऐड किया, 1 और 7 ऐड, या 7 एंड 1 8 हुआ। उसके बाद 2 और 7 9, हमारे पास ये आंसर आया 80, हमारे पास ये आंसर आया 98। उसके बाद थोड़े बड़े नंबर्स में देखते हैं क्या है हमारे पास। 532 दूसरा नंबर है, 446, इनको ऐड करना। हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा, डिजिट के नीचे डिजिट, यानी जो वंस के नीचे वंस है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब इनको ऐड किया, 2 और 6 8, 3 4 7 5 4 9, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 978। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। और बड़ा हमने नंबर लिया जो हमारे पास है 4326, यानी 4326। दूसरा नंबर है हमारे पास 3571, यानी 3571, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, ये नंबर नोट किया, उसके बाद अगला जो नंबर नोट किया, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, एंड थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स। अब ऐड करते हैं, 6 1 7, 2 और 7 9, 3 5 8 और 4 3 7, आंसर हमारे पास आया 7897। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर और बड़ा हम नंबर लें, जैसे हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। पहला नंबर है वो है 675,321, दूसरा है हमारे पास 123,672। अब इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, 10,000 के नीचे 10,000, एंड लाख के नीचे लाख। 1 एंड 3 को ऐड किया, 1 एंड 2 को ऐड किया, 1 एंड 2 को ऐड किया 3, 2 और 7 को ऐड किया 9, 3 और 6 को ऐड किया 9, 5 और 3 को ऐड किया 8, 7 एंड 2 को ऐड किया 9, और 6 और 1 को ऐड किया 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 7,98,993। तो इस तरीके से हम छोटे से लेकर के बड़े नंबर को ऐड कर सकते हैं जिसमें हासिल ना लिया गया हो, यानी कि एडिशन विदाउट कैरिंग, जिसमें कैरी ना लिया गया हो, वो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिशन विद कैरिंग, यानी कि जोड़ जिसमें हासिल लिया जाए। हासिल क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 98, दूसरा नंबर है 78, इनको हमने ऐड करना है, तो वो इस तरीके से लिख लिया, वंस के नीचे वंस, यानी इकाई के नीचे इकाई, और टेंस के नीचे टेंस, यानी कि दहाई के नीचे दहाई। अब जब हम इन्हें ऐड किया तो यह 8 8 16, कितना आया 16, 16 का 6 लिखा, क्योंकि ये वंस है और ये जो वन है वो टेंस है, तो वो हम टेंस में ही लिखेंगे, ना कि वंस में, इसलिए इसको यहाँ लिख सकते हैं, और इस यहाँ पर 6 लिखेंगे, और इसका जो है, इसका वन जो है वो टेंस में लिखेंगे, और इसको ऐड करेंगे, 1 एंड 9 10, और 7 17, यानी कि 10 और 7 कितना हुआ 17। तो हमारे पास वैल्यू आई 176। तो ये जो कैरी है या हासिल है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरे नंबर में देखते हैं हम 3 एंड 8, इनको जब ऐड किया तो ये बना 11 11, तो 11 का ये वाला वन, जो वंस का वन है वो लिखेंगे, टेंस वाला वन अभी नहीं लिखेंगे, इसी को हासिल या कैरी कहते हैं। तो फिर वन लिख दिया, और ये वन जो है वो कैरी हुआ, यानी कि हासिल हुआ, क्यों, क्योंकि ये टेंस का वन है ना कि वंस का, तो वो हम टेंस में ही लिखेंगे, वंस में नहीं लिखेंगे। 1 एंड 4 5 5 5 10, 10 का 10 इस टाइप से, 10 का सिर्फ 0 लिखेंगे, और ये चूँकि 10 जो है वो हंड्रेड्स का वन है, इसलिए वो हंड्रेड्स में लिखेंगे ना कि टेंस में। तो 1 एंड 7 8, 8 और 9 17।
16, तो जो हमारे पास वैल्यू थी 743 and 958, वो टोटल वैल्यू कितनी आई, 1701। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा और बड़ा नंबर 8 and 1 9। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही कैरी आएगा, हर बार ही हासिल आएगा, किसी बार नहीं भी आएगा। तो 8 और 1 को जोड़ा तो 9 हो गया, उसके बाद 3 और 8 को जोड़ा तो 11 हो गया, 11 का 1 लिखा जाएगा, ये 1 ऐसे रहेगा, ये 100 में ऐड होगा, और यहाँ पर ये हो गया 1 and 4 5 5 और 7 12, 12 का 2 लिखा जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो 1 और 8 9 9 9 18। तो हमारे पास जो वैल्यू थी 8438 and 9781, उसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 18219। ये वैल्यू हमारे पास आई। तो इस तरीके से छोटे और बड़े से बड़े नंबर्स को ऐड कर सकते हैं कैरी लेकर के या हासिल लेकर के। ऐड करना है तो सबसे पहले छोटे वाले नंबर को, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को, और सबसे आखिर में सबसे बड़े को। इस तरीके से, लेकिन तरीका वही रहेगा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड एंड 10,000 के नीचे 10,000। तो आइए हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही रहेगा, फिर 2 जोड़ा तो 7 हुआ, फिर 0 जोड़ा तो 7 ही रहेगा, तो ये 7 आया वंस की जगह पर। उसके बाद हमने ऐड किया 2 और 3 को, 5 में 0 जोड़ा, 5 ही रहेगा, फिर जोड़ा तो 7, 2 को जोड़ा तो 7 ही रहेगा। उसके बाद 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहेगा, और 6 को जोड़ा तो 8 रहेगा। उसके बाद 1 में 9 को जोड़ा 10, और ये दूसरा भी 10। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो इस तरीके से आई कि 25 230 and 1002 and 99,620 को जब हमने जोड़ा तो 1,877 वैल्यू आई हमारे पास। तो इस तरीके से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर्स को कैरी के साथ या कैरी के अलावा हम ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना एडिशन विदाउट कैरिंग एंड एडिशन विद कैरिंग, यानी कि जोड़ हासिल के साथ और जोड़ बिना हासिल के। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।